इश्क बा शिवाय ओमकारा और रुद्र दिखा रहे हैं अपना हुनर, नाश्ता तैयार करने का हुनर। तीनों पहुंच गए हैं किचन में और बना रहे हैं नाश्ता, और तीनों एक दूसरे के साथ कर रहे हैं मस्ती। इस मस्ती में शामिल होने अनिका भी आ गई है और सब मिलकर मोबाइल पर किसी की तस्वीर देखकर खुश हो रहे हैं। कितनी क्यूट लग रही है। और वहीं पर आ पहुंची है रागिनी। उसे तो बस शिवाय अनिका के बीच कबाब में हड्डी बनना है, दोनों को एक नहीं होने देना है। हाँ, बहुत जिद्दोजहद से पीछे पड़ी हुई है मैं शिवाय के, और अनिका तो हमेशा साथ में होती है, तो शी हैज़ अ प्रॉब्लम विद अनिका एंड नाउ तो फुल टशन मोड में ले लिया उसने कि कैसे बेटा। रागिनी आई और रुद्र ने उसे ताना भी मार दिया। शायद यही वजह है कि रागिनी को ओमकारा और रुद्र बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। या वो रुद्र ना, पता है क्या कहते हैं, रुद्र से तो मेरी जिंदगी में कभी नहीं पटने वाली, शो में तो फॉर श्योर। मतलब ही सो चीपड़ा ना टू मी, बहुत, मतलब हर बार जब भी आते तो सुनाई देता है। वो खरी खोटी दो तो वर्ड्स उसने बोलने होते हैं मेरे, वो बड़ा बेइज्जत करता है मुझे। एक दिन सुनाएगी रागिनी, बोल रही हूँ मैं, ओम एंड रुद्र आई डोंट लाइक यू गाइस, प्लीज आर यू लिसनिंग। मगर आज रागिनी को अपने झुमके, चोटी और ड्रेस पर पूरा भरोसा है, जिसमें शिवाय जरूर फंसने वाला है। आई एम इन लव विद द हेयर स्टाइल टुडे, यस। सो या, ऐसी हेयर स्टाइल करने को नहीं मिलती टीवी पे, तो मैं तो बड़ी खुश हूँ कि ये तो हम सिर्फ इंस्टाग्राम पे देखते हैं कि लोग नो ऐसे ऐसे बनाते हैं, बट दे हैव अचीव्ड इट, या माय हेयर ड्रेसर्स हैव अचीव्ड इट, सो आई थिंक आई एम हैप्पी। रागिनी हर संभव कोशिश कर रही है शिवाय को फंसाने की, मगर जैसे ये भाइयों को अलग करना मुश्किल है, तीनों की मस्ती को रोकना मुश्किल है, वैसे ही रागिनी के लिए भी शिवाय को पाना बहुत मुश्किल साबित होने वाला है। मगर हाँ, नामुमकिन नहीं। मुंबई से नेहा सावंत के साथ कलीम सलमानी की रिपोर्ट। ये है ABP News, आपको रखे आगे।